गुड इवनिंग गाइस, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट विशाल शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस अन अकेडमी के एसएससी जेई यूट्यूब चैनल पर, ए वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल एई एंड जेई एग्जामिनेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिविजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो माई डियर, रिविजन करना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिविजन करेंगे तो आप जो चीज़ें हैं अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। और इस रीजनिंग की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम एक हैप्पी ब्रेन के साथ रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रीजनिंग इज जस्ट ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। रीजनिंग सभी को आती है माय डियर, हियर वी आर डूइंग द प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो हमारी स्पीड है रीजनिंग की वो इंक्रीज होगी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग सौरव। गुड इवनिंग प्रियंका। गुड इवनिंग विजय। अच्छा विजय, क्यों भाई, क्या दिक्कत हो गई आपके? भाव्या, ज्ञानेंद्र, अदिति, अनुपम, यस यस यस, एक्सलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस रीजनिंग के क्लास में। दिस इज एन इंट्रोडक्शन अबाउट मी, क्वालिफाइड गेट 4 times, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years, और जो मैं सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाता हूँ वह है जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसी के साथ साथ आई एम ऑल्सो ए फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक खास पेशकश है। इस 5 तारीख को, इस 5th of July को 9 AM से 11 AM तक हम एक मैराथन सेशन लेके आ रहे हैं ऑन द टॉपिक फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो माई डियर, प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ एंड डू द रिलीवेंट कमेंट ओनली दिस वीडियो। तो ये जो आपकी अन अकेडमी की जो क्लास है, मैराथन क्लास, ये कहाँ होने वाली है? ये अन अकेडमी के लर्निंग ऐप में होने वाली है। कहाँ होने वाली है? अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर। और ये आपकी बेटा एक फ्री स्पेशल क्लास है, ये आपकी बेटा एक फ्री स्पेशल क्लास है। तो आप मुझे अन अकेडमी पर सर्च कर सकते हैं बाय माय नेम विशाल शर्मा, आप मुझे वहां सर्च कर सकते हैं। और वहां पर मेरी प्रोफाइल में जब आप स्पेशल क्लास के लिंक्स पर क्लिक करेंगे, देन यू विल टू रीच ए मैराथन सेशन ऑफ द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। दैट मैराथन सेशन इज यूजफुल फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की, देर विल बी ए लाइव टेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑन द सेम डे, दैट इज 5th of July, 5:30 PM, 5:30 PM, एंड द सेकेंड पार्ट विल बी एट द 8:30 PM। सेकेंड पार्ट है आपका 8:30 PM, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं माई डियर, तो देखिए फेसबुक पर आपको टाइप करना है facebook.com/vishalecke। तो आप मुझसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप अन अकेडमी में जुड़ना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज द रेफरल कोड विशाल11। आप विशाल11 रेफरल कोड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना है जस्ट विशाल ECK। जब इंस्टाग्राम पर आप विशाल ECK डालेंगे आपको मिल जाएगा। अन अकेडमी की मेरी प्रोफाइल है unacademy.com/@MacVishal, तो वहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड दीज आर द डिफरेंट सोशल मीडिया जिसके थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग साई, कैसे हैं आप? ओके माय डियर, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो कल की क्लास में अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल की जो क्लास थी हमारी, बेहतरीन क्लास गई थी, फर्स्ट क्लास, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था आपका। तो बताइए कल की क्लास में अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे बताइए। यस यस पार्थ, इट इज यूजफुल फॉर द गेट। एक सेकंड रुकिए प्लीज। हाँ, चलो अब अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए,
किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं आप मुझसे। डोंट गिव मी द अनरिलीवेंट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर ऐसा होता है तो आप अन अकेडमी की सभी क्लासेस से वंचित हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था कि जब आपको टू फिगर्स गिवन हो, ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, व्हेन टू फिगर्स आर गिवन, जब टू फिगर गिवन हो, व्हेन टू फिगर्स आर गिवन, जब दो फिगर गिवन हो, तो उसमें हमने एक केस पढ़ा था, उसमें हमने एक केस पढ़ा था, और हमारा केस क्या था कि व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन, व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन, जब सिर्फ एक ही नंबर क्या हो, कॉमन हो, जब सिर्फ एक ही नंबर क्या हो, कॉमन हो, ये वाला हमने कल कर लिया था। इसमें क्या होता है, बेहद ही सिंपल है, कुछ नहीं है। चलो आज हम एक डाइस बना लेते हैं, फिर हम उसको बार बार सेम ही डाइस को यूज करेंगे, ठीक है। एक डाइस हम बनाते हैं, फिर सेम डाइस को हम बार बार यूज कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, ओके, एक्सीलेंट। चलिए, अगर मान लीजिए यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन में गिवन है, जैसे 4 1 3, यहां पर मान लो गिवन है 3 2 6, 3 2 6, तो इस केस में माय डियर, इस केस में क्या होता है, आपके यहां पर सिर्फ वन नंबर कॉमन है। कितना नंबर कॉमन है, वन। तो देखिए 3 2 6 1 4 3, सो 3 कॉमन होता है। जब ये 3 कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, एक साथ 3 लिखते हैं, तो ये हमने 3 लिख दिया, यहाँ पर भी हमने 3 लिख दिया, फिर हम इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, तो 3 से होगा आपका 1, 1 से होगा आपका 4, यहाँ पर 3 से देखिए, 3 से यहाँ होगा आपका 6, 6 से होगा आपका 2, तो यहाँ से होगा आपका 6, यहाँ से होगा आपका 2, तो कौन सा नंबर नहीं आया सर, नंबर नहीं आया 5, तो 3 के अपोजिट होगा 5, 1 के अपोजिट होगा 6, 4 के अपोजिट होगा 2, एक तो ये चीज़ हमने सीखी थी। यस यस, वी विल कंप्लीट द सिलेबस बोडा जी, वी विल कंप्लीट द सिलेबस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इसमें एक चीज और आपको याद रखनी थी, और वो क्या याद रखनी थी, बेहद ही शानदार चीज थी, वो मैंने आपको बताई थी एज ए नोट, एज ए नोट मैंने आपको बताई थी कि टू अपोजिट फेस या फिर टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बीन सीन टुगेदर, दोनों को एक साथ हम नहीं देख सकते, और इसके हेल्प से आप ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक से क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, इसके हेल्प से आप ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक से क्वेश्चन को बेहद ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आज हमारा इसी टॉपिक में सेकेंड केस है, दिस वॉज द फर्स्ट केस वेन वन नंबर इज कॉमन, दिस इज द फर्स्ट केस वेन वन नंबर इज कॉमन। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड केस, लेट्स कम टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है आपका, देखिए काफी आसान है, अब तो बिल्कुल आसान है, जो डाइस का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था इट हैज बीन कंप्लीटेड। सेकेंड केस क्या है, व्हेन व्हेन टू नंबर इज, व्हेन टू नंबर आर कॉमन, ठीक है। आपको क्या होगा, आपको क्या होगा कि दो फिगर गिवन होंगे, लेकिन दो फिगर के साथ साथ एक चीज और क्या गिवन होगी, कि टू नंबर कॉमन होंगे। कितने नंबर कॉमन होंगे, टू नंबर कॉमन होंगे। लेट्स, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स टेक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन है आज का, और ये है हमारा वन, और ये है हमारा टू, ठीक है, ये है हमारा टू। नाउ अब देखिए, यहाँ पर मैंने नंबर दे रखा है, जब भी आपको डाउट हो तभी प्लीज कमेंट कीजिए, 2 3 5, और यहाँ मान लो मैंने दे दिया है 2, ओके, 5 और 6, यहाँ पर बेटा दो नंबर कॉमन है, कितने नंबर कॉमन है, दो नंबर कॉमन है, कौन कौन सा नंबर कॉमन है, देखिए कौन कौन सा नंबर कॉमन है सर, एक तो हमारा कॉमन है 2, एक है हमारा कॉमन है 2, दूसरा और क्या कॉमन है बेटा, दूसरा हमारा है यहाँ पर 5, और ये है हमारा 5, ठीक है। लेट्स टेक, ये हमारी एक डाइस है, ये हमारी डाइस है, ठीक है, इस इधर वाले फेस पर है 2 और सामने वाले फेस पर है 5,
ध्यान से सुनिएगा, इधर वाले फेस पर है 2, इधर वाले फेस पर है 5। तो जब हम तीन डिजिट्स को देखेंगे तो 2 और 5 के साथ ऊपर नजर आ रहा है 3, 2 और 5 के साथ ऊपर नजर आ रहा है 3, 2 और 5 के साथ है, ये 2 है और ये 5 है, इसके साथ ऊपर वाला है 3। इस 2 और 5 के साथ एक और कौन सा नंबर है जो इसके बॉटम में है? 2 और 5 के साथ एक ऊपर नंबर है 3, इस 2 और 5 के साथ एक और कौन सा है जो कि बॉटम में है? तो माय डियर, यहां पर जो 2 और 5 के साथ जो नंबर है उसको छोड़कर, 2 और 5 के साथ जो नंबर है उसको छोड़कर कौन है 3, कौन है 6? ये जो नंबर होंगे 3 एंड 6, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। माय डियर, जो आपका नंबर होगा 3 और जो आपका नंबर होगा 6, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। क्या ये चीज समझ में आई? प्लीज बताइए, क्या ये चीज समझ में आई? प्लीज बताइए, ध्यान से देख लीजिए। ये सपोज मान लो आगे वाला 2 है, इधर वाला 5 है, तो 2 और 5 के साथ ऊपर वाला जो नंबर है वो है आपका 3। सेम 2 और 5 के साथ एक और नंबर है जो कि बॉटम में है, जो कि दूसरे फिगर में बताया गया है। तो बॉटम वाला नंबर टॉप वाले के अपोजिट है। तो जब भी दो नंबर कॉमन होते हैं, जब भी दो नंबर कॉमन होते हैं, तो उनमें जो दो अलग अलग नंबर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हमसे पूछेंगे, सर 2 और 5 के अपोजिट कौन होगा? देखो, 2 और 5 के अपोजिट आपका 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसका हम पूरा का पूरा गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है? 2 और 5 के अपोजिट 1 भी हो सकता है और 2 और 5 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है आदर्श, अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से। और तो 2 और 5 के अपोजिट 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। जीरो से ही चलना पड़ेगा ना हमें। 2 और 5 के अपोजिट 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है? अब देखिए, सपोज यहां पर है आपका, लेट्स अज्यूम यहां पर है आपका ए, यहां पर है आपका बी, यहां पर है आपका ई, ठीक है? ए बी ई, यहां पर है आपका ई, यहां पर है आपका सी और यहां पर है आपका बी। जब दो फिगर गिवन हो और दो चीजें कॉमन हो, जब दो फिगर गिवन हो और दो चीजें कॉमन हो, तो माय डियर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर कौन कौन से नंबर कॉमन है? यहाँ पर है आपका बी, यहाँ पर भी आपका बी, यहाँ पर है आपका ई, यहाँ पर भी है आपका ई। बेटा, रीजनिंग सबको आता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रीजनिंग किसी को नहीं आता है, रीजनिंग सबको आता है, लेकिन टाइम मैटर करता है ना, टाइम मैटर करता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है आपका बी, यहाँ भी आपका बी, ठीक है? यहाँ है आपका ई, यहाँ भी आपका ई। तो यहाँ पर दो नंबर कॉमन है, तो बाकी जो नंबर बच जाएंगे दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर। तो आपका जो ए होगा वो सी के अपोजिट होगा, ए होगा वो सी के अपोजिट होगा, ठीक है? ए होगा वो सी के अपोजिट होगा। अब देखिए माय डियर, अगर मैं बात करता हूँ बी और ई की, बी और ई की इनके अपोजिट क्या क्या हो सकते हैं? इनके अपोजिट आपका डी भी हो सकता है, इनके अपोजिट आपका एफ भी हो सकता है, इनके अपोजिट आपका डी भी हो सकता है, इनके अपोजिट आपका एफ भी हो सकता है। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपका बी के अपोजिट डी भी है या फिर एफ भी है, बी के अपोजिट आपका डी भी आ सकता है और बी के अपोजिट आपका एफ भी आ सकता है, बी के अपोजिट आपका एफ भी आ सकता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ई है, ई के अपोजिट डी है और एफ है, ई के अपोजिट डी है और एफ है। तो माय डियर, ई के अपोजिट आपका डी भी आ सकता है और ई के अपोजिट आपका एफ भी आ सकता है। जब आपका बी डी के अपोजिट आएगा तो आपका ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है? जब आपका बी डी के अपोजिट आएगा तो ई एफ के अपोजिट होगा, जब आपका बी एफ के अपोजिट होगा तो आपका ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है? आपका ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू। यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
ये डाइस कंप्लीट होने के बाद हम नोट्स डालेंगे ना, ये डाइस कंप्लीट होने के बाद हम पूरा नोट्स डाल देंगे। अब देखिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू गिव मी द आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, आपको टू फिगर गिवन है, आपको ये दो फिगर गिवन है और दीज आर द ऑप्शंस, ये आपके ऑप्शंस हैं। देखिए ये, देखिए अब ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, देखिएगा। बी हैप्पी गाइस, बी हैप्पी गाइस। आदर्श बेटा यहां पर इसी स्पीड से हम चलेंगे, इतने ज्यादा कमेंट किए तो देख लीजिए। इतने ज्यादा कमेंट मत कीजिए आप, अगर आपको आता है तो आप बाद में स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब नहीं आएगा कमेंट इनका। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका वन, ओके टू और थ्री, क्वेश्चन है आपका वन टू और थ्री, ये है आपका टू, ये है आपका फोर और ये है आपका थ्री। अब देखिए आपको ऑप्शंस गिवन है वन टू और यहाँ आपको थ्री ऑप्शंस गिवन है और ये है आपका फोर्थ ऑप्शन। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए वन टू फोर, एक ऑप्शन है आपका टू थ्री फाइव, एक ऑप्शन है आपका फाइव, एक ऑप्शन है आपका सिक्स, एक ऑप्शन है आपका थ्री, एक है आपका सिक्स, एक है आपका फाइव, एक है आपका वन, एक है आपका वन। यस एक्सलेंट एक्सलेंट। अब इसका आंसर दीजिए प्लीज, क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज डोंट लॉस योर डिग्निटी, ठीक है, आराम से आंसर दीजिए क्या होगा। जहां जल्दबाजी हम करेंगे वहां हम गड्ढे में गिर जाएंगे, इसलिए आराम से पेशेंस के साथ चलिए। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। अरे अरे प्रतिमा थ्री ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत कीजिए। देखिए यहां पर कौन कौन सा नंबर कॉमन है, सर यहां पर एक तो कॉमन है टू, एक कॉमन है आपका थ्री, यहां पर कॉमन आपका टू, यहां पर कॉमन है आपका थ्री, ठीक है, टू और थ्री कॉमन है, तो जो फोर होगा वो वन के अपोजिट होगा, या फिर वन होगा वो फोर के अपोजिट होगा। और अगर वन और फोर अपोजिट हैं, अगर वन और फोर अपोजिट हैं तो माय डियर ये कभी भी एक साथ नजर नहीं आएंगे, तो वन और फोर अपोजिट है कभी भी एक साथ नजर नहीं आएंगे, वन और फोर अपोजिट है कभी भी एक साथ नजर नहीं आएंगे। टू और थ्री के अपोजिट क्या हो सकता है, टू और थ्री के अपोजिट आपका फाइव भी हो सकता है और सिक्स भी हो सकता है, टू और थ्री के अपोजिट आपका फाइव भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है। तो माई डियर टू और थ्री एक साथ है तो इसके अपोजिट फाइव है या फिर सिक्स है, तो ये कभी भी नजर नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए फाइव और सिक्स के अपोजिट थ्री है तो फाइव और सिक्स के साथ कभी भी थ्री नजर नहीं आएगा। इसको देखिए सिक्स और फाइव एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, सिक्स और फाइव एक दूसरे के अपोजिट नहीं है तो ये एक साथ आ सकते हैं। सिक्स और फाइव टू और थ्री के अपोजिट है, सिक्स और फाइव टू और थ्री के अपोजिट है, लेकिन टू और थ्री एक साथ दिख रहा है, देखो टू और थ्री एक साथ दिख रहा है, तो फाइव और सिक्स एक साथ दिख सकता है। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। अरे देखो ना फाइव और सिक्स के अपोजिट है थ्री, तो अपोजिट में फाइव के भी हो सकता है सिक्स के भी हो सकता है, लेकिन ये थ्री कभी भी फाइव या सिक्स के साथ नजर नहीं आएगा। अपोजिट जो भी होते हैं ना, देखो अभी तो लिखा है टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बीन सीन टुगेदर, दो अपोजिट नंबर कभी भी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते। एक्सीलेंट माय डियर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो यहां पर ये तो श्योर है, देखो देखो माय डियर ये तो श्योर है 100%, इसका 100% है, लेकिन इसमें कौन किसके अपोजिट है हमें नहीं मालूम, इसमें कौन किसके अपोजिट है हमें नहीं मालूम। सबको समझ में आया। यस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब हमारा क्या है, देखिए अब हमारा क्या है, हमने दो चीजें पढ़ ली है। जब आपको दो फिगर गिवन हो, व्हेन द टू फिगर आर गिवन,
उसमें अगर वन नंबर कॉमन हो, उसमें अगर टू नंबर कॉमन हो, थ्री नंबर तो कॉमन हो ही नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम थ्री फेस ही नजर आ रहा है। अब ऐसा एक केस बन सकता है थर्ड वन जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। दो फिगर आपको गिवन हो, दो फिगर आपको गिवन हो और थर्ड वन है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो अब देखिए, अब आता है बेटा नो कॉमन ट्रिक। क्या आता है? नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक है, ठीक है? नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक क्या बताइए? नो कॉमन ट्रिक मतलब क्या है? नो कॉमन ट्रिक का मतलब है कि जब भी कुछ भी कॉमन ना हो, जब कुछ भी कॉमन ना हो। यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट माय डियर, अरे वाह। देखिए अब यहां पर देखिएगा, जो आपकी डाइस होती है ना, जो आपकी डाइस होती है, ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है? एक होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस, एक होती है आपकी जनरल डाइस, एक होती है आपकी जनरल डाइस। दो टाइप की आपकी डाइस होती है, एक तो होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस और दूसरी होती है आपकी जनरल डाइस। दूसरी क्या होती है? आपकी जनरल डाइस। तो आइए देखिए कैसे नजर आती है। देखिए देखिए यहां देखिए, इज इट विजिबल टू यू? कोई ऑडियो वगैरह में दिक्कत हो तो प्लीज लेट मी नो। अगर कहीं भी आपको साउंड में दिक्कत आए तो प्लीज मुझे बताइएगा। दीपक कुमार कह रहे हैं सर प्रीवियस वाला बताना, तो अभी बताते हैं दीपक। एक बार इसको हम कंटिन्यू करते हैं फिर बताते हैं आपको, ठीक है? एक बार इसको समझते हैं फिर हम आपको प्रीवियस वाला भी बता देंगे, तो बने रहिएगा, ठीक है? आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं रिलीवेंट टू द सब्जेक्ट। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है माय डियर? स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट फेस होते हैं ना, अपोजिट फेस, जैसे मान लो ये आपकी डाइस है, तो एक तो फेस इसके सामने वाला है और एक फेस इसके पीछे वाला है। तो दिस इज द फर्स्ट फेस, दिस इज द सेकेंड फेस। तो जो अपोजिट फेस होते हैं इनका सम 7 के इक्वल होता है। से फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपका क्या है? वन डॉट है, तो इसके अपोजिट में कितने डॉट होंगे? 6। कितने डॉट होंगे? 6 होंगे। तो अपोजिट फेसेस का सम क्या होगा बेटा? 6 + 1 = 7। यस, एक्सीलेंट प्रतिमा, एक्सीलेंट, यस एक्सीलेंट। अगर यहां पर है आपके 2, अगर यहां पर आपके 2 है तो अपोजिट फेस पर कितने होंगे बताओ? 5। अपोजिट फेस पर कितना होगा? 5 होगा। अगर सपोज है यहां पर आपके 3, तो अपोजिट फेस पर कितना होगा? 4। अपोजिट फेस पर कितना होगा? 4। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होती है जिसके अपोजिट फेस का सम 7 के इक्वल होता है, ठीक है? तो यहां आप इसको लिख सकते हैं, यहां आप इसको लिख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डाइस होती है, स्टैंडर्ड डाइस, उसमें क्या होगा? उसमें अपोजिट फेसेस का सम, ठीक है, अपोजिट फेस का सम इज 7। अपोजिट फेस का सम क्या होगा? 7 होगा। ये चीज आपको सिर्फ याद रखनी है और इसी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सीलेंट माय डियर। जनरल डाइस में क्या होगा? देखिए जनरल डाइस में क्या होगा, जनरल डाइस में क्या होगा? जनरल डाइस में एडजेसेंट फेस का सम 7 होगा। समझ रहे मेरी बात? जनरल डाइस में एडजेसेंट, एडजेसेंट फेस का जो सम है, एडजेसेंट फेस का जो सम है वो 7 होगा। एडजेसेंट मतलब पास पास वाले, मतलब इसका और इसका सम 7 हो सकता है, इसका ऊपर वाले का सम 7 हो सकता है, इधर वाले का, इधर वाले का, मतलब कोई भी दो फेस अगर हम जोड़ें और वो 7 आ जाए तो दैट विल बी द जनरल डाइस, दैट विल बी द जनरल डाइस। एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ इंडिया, एक्सीलेंट माई डियर। तो देखिए यहां पर है आपका 4, यहां पर है आपका 3 और यहां पर है आपका 5। कहीं से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, 4 और 3 कितना हुआ? 7। तो 4 + 3 कितना हुआ? 7। तो ये आपकी कैसी डाइस हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी आपकी जनरल डाइस। ये आपकी कैसी डाइस हो जाएगी? जनरल डाइस हो जाएगी। यस यस यस, एक्सीलेंट माय डियर। ओके, तो पास पास वाले, कहीं भी पास पास वालों को अगर हम जोड़ें, इफ वी गेट, ठीक है, इफ वी गेट
द सम इज इक्वल्स टू 7, देन दैट डाइस विल बी द जनरल डाइस, देन दैट डाइस विल बी द जनरल डाइस। तो काम ही ऐसे कर रहे हो भाई, दैट डाइस विल बी द जनरल डाइस। अब देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन, अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ नो कॉमन ट्रिक, ऑफ नो कॉमन ट्रिक, कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है इसमें, कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है इसमें। अब देखना, देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, यस, पूरा होगा रीजनिंग अनुपम, पूरा होगा रीजनिंग। देखिए, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 2, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4, यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ 6, मैंने ब्लॉक वगैरह नहीं किया है, मैंने ब्लॉक वगैरह नहीं किया आपको, ठीक है। तो अन अकेडमी देख रही है, अगर आप कोई अनरिलीवेंट कमेंट करते हैं, है ना, अगर आप कोई इररिलीवेंट कमेंट करते हैं तो वहां से सब कुछ होता है, मैं यहाँ से कैसे कर लूंगा भाई। यस यस, तो देखिए 2, 4, 6, अब इसको जोड़ो, 2 और 4 कितना हुआ, 6, 4 और 6 10, 6 और 2 8, ये फर्स्ट वाली कौन सी डाइस है मुझे बताओ, ये फर्स्ट वाली कौन सी डाइस है मुझे बताओ, बताइए ये फर्स्ट वाली कौन सी डाइस है, बोलो बे। ये जो फर्स्ट वाली डाइस है बेटा, ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्यों, क्योंकि सर इसमें अपोजिट फेस का सम 7 होता है और एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं है, तो दैट विल बी द स्टैंडर्ड डाइस। अब मैं अगर बताता हूँ, देखिए 6, ओके, यहाँ बताता हूँ मैं 2, और यहाँ मैं बताता हूँ आपको 5, ये कौन सी डाइस है बताइए, ये कौन सी डाइस है। यस अनुपम, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये कौन सी डाइस है, 5 और 2 7, तो ये कौन सी डाइस हो जाएगी बेटा आपकी, जनरल डाइस, ये कौन सी डाइस हो जाएगी, जनरल डाइस। तो ये हो जाएगी आपकी जनरल डाइस, एक है आपकी स्टैंडर्ड डाइस, एक है आपकी जनरल डाइस, एक है आपकी स्टैंडर्ड डाइस, एक है आपकी जनरल डाइस, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो 1 के अपोजिट हमें पता है कौन होगा, 6, 2 के अपोजिट हमें पता है कौन होगा, 5, 3 के अपोजिट तो हमें पता है कौन होगा, 4, लेकिन यहाँ पर हमें पता ही नहीं कौन किसके अपोजिट है, आपके 2 के, 5 के और 6 के, आपका 1, 3 और 4, ये तीनों आ सकते हैं, 2 के अपोजिट में 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते, 5 के अपोजिट में 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। सिमिलरली 6 के अपोजिट में भी 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी वाला चांस बन जाता है, कैसा चांस बन जाता है, प्रोबेबिलिटी वाला चांस। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने हमेशा कहा है प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन। आपको क्या करना है, सिर्फ हिट को लाइक करना है या फिर लाइक को हिट करना है, आपको लाइक बटन को हिट करना है 3 बार, कितनी बार, 3 बार, 2 बार नहीं करना है, 3 बार करना है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यस एक्सेलेंट। देखिए नोट्स, ये डाइस कंप्लीट होते ही नोट्स आपको मिल जाएंगे, आधे अधूरे नोट्स देने में क्या फायदा है भाई, आप मुझे सजेस्ट कीजिए, आपको डाइस कंप्लीट होने पर नोट्स चाहिए या यही नोट्स होंगे जो आपको क्लास में आप ये लिख रहे हैं, यही नोट्स है बेटा आपके, यही नोट्स है। हाँ देखिए, 1, 3, 5, दिस इज द फिगर नंबर 1, ओके, 2, 4, 6, दिस इज द फिगर नंबर 2, ये 2 फिगर है, ओके, ये 2 फिगर है, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, टेंशन मत लीजिए। अब ये मुझे बताइए कौन सी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या ओपन डाइस है, और उसके बाद मुझे बताइए व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ, ओके, व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 5, 5 का अपोजिट कौन होगा, व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 5, हु विल बी द अपोजिट ऑफ 5, आने वाला है आदर्श, आने वाला है, सब कुछ आएगा, हु विल बी द अपोजिट ऑफ 5, यस, बूथ बूथ, ये दोनों एक ही डाइस के एग्जाम है, एग्जाम्पल है, तो दोनों क्या है, कैसी डाइस है आपकी, जनरल डाइस, दोनों कैसी डाइस है आपकी, जनरल डाइस है ना, दोनों कैसी डाइस है आपकी, जनरल डाइस, वाह, दोनों कौन सी है आपकी, स्टैंडर्ड डाइस, वाह, बताओ भाई, दो दो आंसर आ रहे हैं, अब मैं किसकी मानूं, किसकी मानूं मैं, एक कह रहा है स्टैंडर्ड डाइस, हाँ, तो देखिए, हाँ, अब भीड़ ने सही जवाब दिया है,
अब भीड़ ने सही जवाब दिया है कि भाई ये जनरल डाइस नहीं है, क्योंकि अगर जनरल डाइस होती तो एडजेसेंट फेस का जो सम है वो 7 आता। ये स्टैंडर्ड डाइस है। कैसी डाइस है ये? स्टैंडर्ड डाइस है ना। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस का सम होता है 7। तो अगर यहाँ पर आपको 5 का अपोजिट पूछ रहा है तो 5 का आप अपोजिट बता सकते हैं 2। 2 विल बी योर राइट आंसर। 2 विल बी योर राइट आंसर। हाँ, अब जो आंसर देंगे वही तो लिखेंगे हम, जो आंसर देंगे वही तो लिखेंगे। ओके चलो कोई बात नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहां पर आपको दे रखा है मान लो 1, यहां दे रखा है मान लो 2, और यहां दे रखा है आपको मान लो 4, यहां दे रखा है मान लो 3, यहां दे रखा है मान लो 5, यहां दे रखा है मान लो 6। तो पूछ रहा है ये एक ही डाइस के दो फिगर है, एक ही डाइस के दो फिगर हैं, और अगर एक ही डाइस के दो फिगर हैं तो इसमें व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4, फोर के अपोजिट क्या है बताइए, फोर के अपोजिट क्या है। जब तक आप ये बताएंगे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट फिगर, दिस इज द सेकंड फिगर। एक ही डाइस के दो फिगर हैं, ये है 2, ये है 5, और ये है आपका 3। ठीक है, ये आपका 1, ये है आपका 4, और ये है आपका 6। ठीक है, तो इसमें मुझे बताइए किस डाइस का टाइप है। यस यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। यस, ये कैसी डाइस है बताओ। सर ये जो हमारी डाइस है इनमें सम 7 नहीं हो रहा है, तो ये हमारी है स्टैंडर्ड डाइस। कैसी डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। और अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 4 के अपोजिट कौन होगा? 4 के अपोजिट होगा 3। 3 विल बी माई आंसर। 3 विल बी माई आंसर। ठीक है, तो अभी तो आपको देखने में समय लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन भी मैं लिख रहा हूँ और आपको समझ भी आ रहा है। ये कैसी डाइस है आपकी बेटा? ये है सर हमारी जनरल डाइस। सर ये है हमारी जनरल डाइस। कैसे सर? देखो देखो सर, 2 और 5 कितने हो रहे हैं? 7। ओके, 6 और 1 कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं। 6 और 1 कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो 2, 5 और 3 के अपोजिट आपका 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो आपको आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना है। आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, यस एक्सीलेंट एक्सीलेंट माय डियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए। अब मैं बताता हूँ आपको आंसर कैसे देना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको मैं बताता हूँ कि आंसर कैसे देना है। देखिएगा, एक ही डाइस है और एक ही डाइस के दो फिगर गिवन है, 1, 2 फिगर्स आर गिवन। यहाँ दे रखा है मान लो 1, यहाँ दे रखा है मान लो 2, यहाँ दे रखा है मान लो आपका 6, यहाँ दे रखा है मान लो 3, यहाँ दे रखा है मान लो 4, यहाँ दे रखा है मान लो 5। 5 दे रखा है। अब पूछ रहा है अपोजिट टू, अपोजिट टू ये 4 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अपोजिट टू 4। अब देखिए मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, 3 भी हो सकता है, 3 या फिर 5 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, डी आपका 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। ऑप्शंस देता हूँ अलग अलग टाइप के। ए है आपका 1 होगा, बी है आपका 2 होगा। एक ही क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शंस किस तरीके से बनते हैं। सी आपका 6 होगा, तो डी होगा आपका कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड, हमें पता नहीं लग सकता, कांट बी डिटरमाइंड। ओके, फिर है आपका 1 होगा, फिर है आपका 2 होगा, फिर है आपका सी 6 होगा, फिर है आपका डी 3 होगा। इसमें तो मजबूरी है, जब मजबूरी हो, ठीक है, जब मजबूरी हो। लव यू आदर्श, लव यू टू। ठीक है, हम किसी से नाराज वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ देखो एक बार, देखिए
अपोजिट टू फोर पूछ रहा है, और ये तीन टाइप के आपके ऑप्शन बन सकते हैं ना, अपोजिट टू फोर पूछ रहा है और ये तीन टाइप के आपके ऑप्शन बन सकते हैं, तीन टाइप के ऑप्शन बन सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये कैसी डाइस है सर? सबसे पहली चीज तो सर ये जनरल डाइस है सर। जनरल डाइस में क्या होता है, एडजेसेंट फेस का सम 7 होता है, तो 4 और 3 कितना हो रहा है 7, और 6 और ये जो 1 है ये क्या हो रहा है 7। तो मतलब सर 1, 2 और 6 के अपोजिट आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब ये 4 के अपोजिट पूछ रहा है माय डियर, किसके अपोजिट पूछ रहा है, ये 4 के अपोजिट, तो ये 4 के अपोजिट पूछ रहा है। अगर ये 4 के अपोजिट पूछ रहा है तो 4 के अपोजिट आपका 6 भी हो सकता है, 4 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 के अपोजिट 1 भी हो सकता है। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन को ध्यान से दीजिएगा आंसर, 4 के अपोजिट आपका क्या क्या हो सकता है, 4 के अपोजिट आपका 6 भी हो सकता है, 4 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 के अपोजिट 1 भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या 4 के अपोजिट 3 हो सकता है, नहीं। 4 के अपोजिट 3 कैसे होगा, 4 के तो 7 है 3, क्या 4 के अपोजिट 3 नहीं है तो 5 कैसे होगा, क्या 4 के अपोजिट 1 हो सकता है, यस 4 के अपोजिट 1 हो सकता है, क्या 4 के अपोजिट 6 होता है, यस 4 के अपोजिट 6 हो सकता है, लेकिन 4 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता। तो यहां पर जो आंसर होगा बेटा वो होगा आंसर सी, यहां जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी। इसमें क्या करेंगे, देखिए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। गुड इवनिंग सुरेंद्र, कैसे हैं आप? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो यहां हम क्या ऑप्शन पुट करेंगे, यहां ऑप्शन हम पुट करेंगे कांट बी डिटरमाइंड, यहां हम क्या ऑप्शन पुट करेंगे कांट बी डिटरमाइंड। अब देखिए 1 भी गिवन है, ओके 2 इज ऑल्सो गिवन, 1 इज ऑल्सो गिवन, 2 इज ऑल्सो गिवन एंड 6 इज ऑल्सो गिवन, 3 इज ऑल्सो गिवन, तो 3 तो होगा नहीं। अब तो मजबूरी है 1 टिक करें, 2 टिक करें या 6 टिक करें, अब तो क्या हमारी मजबूरी, अब है हमारी मजबूरी, तो हम क्या टिक करेंगे, 1 टिक करें, 2 टिक करें या 3 टिक करें। तो माय डियर अब यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर जब मजबूरी हो आंसर करना, जब मजबूरी हो आंसर करना, अभी पीडीएफ पैदा थोड़ी करेंगे है? अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, उसको चलने को दीजिए, अभी तो चला ही नहीं, वो खड़ा ही नहीं हुआ, आप कह रहे अभी खड़ा कर दीजिए उसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब मजबूरी हो आंसर करना तो हम कैसे करेंगे, ओके उसको हम देखते हैं। जब आंसर करना ही मजबूरी हो जाए, जब बिना आंसर के काम ही ना चले, तब हम आंसर कैसे देंगे, बताओ कैसे आंसर देंगे, जब आंसर देना मजबूरी हो तो आंसर कैसे दिया जाएगा, जब आंसर देना मजबूरी हो तो आंसर कैसे दिया जाएगा, डू यू हैव एनी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है क्या, यस सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन तो है। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, देखिए क्या सॉल्यूशन है, ये बेहद आसान सॉल्यूशन है। देखो ये है सर्कल, तो इसका आंसर ये ऊपर वाला ही होगा, टॉप के अपोजिट हमेशा टॉप माना जाएगा बेटा, माना जाएगा, माना जाएगा। यह है ट्रायंगल, इसके अपोजिट इस 3 को माना जाएगा, इसके अपोजिट इस 3 को माना जाएगा। यह है मान लो स्क्वायर 6, 6 के अपोजिट 5 को माना जाएगा बेटा, 6 के अपोजिट 5 को माना जाएगा, तो 6 के अपोजिट हो जाएगा 5। अब किसके अपोजिट पूछ रहा है ये देखिए, अब पूछ रहा है 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट कौन होगा 2, तो इन दैट केस, इन दिस केस जब आंसर देना मजबूरी हो तो आंसर विल बी 2। क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसके अलग अलग टाइप के आपको ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन एक ही है उनके अलग अलग टाइप के आपको क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ओके इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिए। बोलो भाई, एकदम बिल्कुल आराम से चिल होके पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा, पेशेंस रखो, सब कुछ मिलेगा। पीडीएफ में यही होगा जो हम यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो सेल्फ हैंड रिटन नोट से अच्छी कोई चीज नहीं होती है, सेल्फ हैंड रिटन नोट से कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। ओके ओके एक्सीलेंट एक्सीलेंट माय डियर, यस मजा आ गया, ठीक है।
बढ़े आगे। चलो तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका। व्हेन टू फिगर आर गिवन, जब दो फिगर आपको गिवन हो, तो अगर वन नंबर कॉमन हो, टू नंबर कॉमन हो, और अगर कुछ भी कॉमन ना हो, तो आपके टू फिगर वाले आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ अब हम आते हैं हमारे केस वन पे, ठीक है। अब है हमारा केस वन, और ये केस वन आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ये केस वन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। व्हेन व्हेन ओनली वन पोजीशन आर गिवन, व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन, जब ओनली ओनली वन पोजीशन गिवन हो तब हम क्या करेंगे। बेहद ही सिंपल है बेटा, बेहद ही सिंपल है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर वन। आप खुद मुझे आंसर देंगे इसका, देखना, आप खुद मुझे आंसर देंगे। जब आपको सिर्फ एक ही फिगर गिवन हो, जब सिर्फ आपको एक ही फिगर गिवन हो, तो देखिए लेट्स से यहाँ लिखा है वन, यहाँ लिखा है टू, यहाँ लिखा है थ्री। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ अपोजिट टू, अपोजिट टू थ्री क्या होगा बताइए, अपोजिट टू थ्री क्या होगा। अरे नोट्स यही है, यही है पीडीएफ, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, यही पीडीएफ है, ये जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं यही पीडीएफ है बेटा। बाकी ये पीडीएफ मैं दे दूंगा, मैं अपने पास रख के क्या करूंगा पीडीएफ। बताइए। यस एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, एक्सीलेंट माय डियर। नाउ थ्री का अपोजिट कौन होगा बेटा, थ्री का अपोजिट होगा फोर। नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस आंसर, इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट आंसर। यस एक्सीलेंट, एक्सीलेंट माय डियर। सो व्हाई, बिकॉज इट इज ए स्टैंडर्डाइज, ये एक तरीके का स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि जो डाइस जनरल नहीं होगी तो एक ही तो बची स्टैंडर्डाइज, एक ही तो बची है स्टैंडर्डाइज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू, कम टू द क्वेश्चन नंबर टू। देखिए ये देखिए, यस यस एब्सोल्युटली, देखिए टू ओके फोर ओके एंड वन, टू फोर एंड वन। नाउ आई एम आस्किंग यू अपोजिट टू, अपोजिट टू वन, वन का अपोजिट क्या होगा। यस 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 बताइए, यस यस यस, व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ वन सर। अगेन अगेन इट विल बी ए सर, अगेन इट विल बी ए स्टैंडर्ड डाइस सर। वापिस ये कैसी डाइस है बेटा सर, इट इज ए स्टैंडर्ड डाइस, इट इज ए स्टैंडर्ड डाइस। सो इन द स्टैंडर्ड डाइस द सम ऑफ अपोजिट फेसेस आर सेवन, द सम ऑफ अपोजिट फेसेस आर सेवन। Here the 4 plus 2 is 6, 2 plus 1 is 3, 4 plus 1 is 5. So no adjacent face are giving the sum as 7. So it will be the standard dice. If the adjacent face will give the sum 7, then that dice will be the general dice. So 1 ke opposite kya hoga? 1 ke opposite hoga 6. So 6 will be the right answer. 6 will be the right answer. Excellent students of India. Yes, maza aa gaya. Maza aa gaya. To ye case bhi aap kar loge. Jab sirf one figure given ho, तो आप कर लोगे। यस जब वन फिगर गिवन हो तब आप कर लोगे। नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन व्हेन, चलो ये केस तो थ्री है ना आपका, दिस इज द केस थ्री, दिस इज द केस थ्री। तो व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन, जब दो से भी ज्यादा फिगर गिवन हो, तब मुन्ना क्या करेगा। अब देखिए क्या करेगा, देखते हैं, देखते हैं क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर वन, एक ही डाइस के आपको तीन फिगर गिवन होंगे, एक ही डाइस के आपको तीन फिगर गिवन होंगे, ये तीन डाइस होगी, एक ही डाइस के आपको तीन फिगर गिवन है। सो दिस इज द फिगर नंबर वन, दिस इज द फिगर नंबर टू, दिस इज द फिगर नंबर थ्री। ये तीन फिगर आपको गिवन है और आपसे इसमें पूछेंगे, देखिए क्या पूछता है। देखिए वन टू, एक ही डाइस के, एक ही डाइस की तीन पोजीशन गिवन है, ओके फोर ओके फाइव, और आपका ये सिक्स है, यहाँ पर है आपका थ्री,
यहाँ पर है आपका 4 और यहाँ पर है आपका 5। अब आपसे पूछ रहा है अपोजिट टू 4, व्हाट विल बी अपोजिट टू 4? 4 का अपोजिट क्या होगा? व्हाट विल बी द अपोजिट टू द 4? 4 का अपोजिट क्या होगा बताइए, बताइए क्या आंसर होगा। व्हाट विल बी द अपोजिट टू द 4? 4 के अपोजिट क्या होगा बोलो भाई। अरे 1 3, अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं भाई, अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? चलो देखते हैं। देखिए अब हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, हमें ऐसे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कॉमन कहाँ है। देखो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 3 4 5 है, तो यहाँ देखिए यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है। तो एक बार लिख लीजिए 3 और एक बार यहाँ लिख लीजिए 3। 3 से फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए 1 2, सो दिस विल बी द 1, दिस विल बी द 2। 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5, तो जो बच गया है 6, 6 विल बी द अपोजिट टू द 3, तो 4 के अपोजिट कौन होगा 1, तो 1 विल बी योर राइट आंसर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट माय डियर, 1 विल बी द राइट आंसर। यस सुरेंद्र यू आर राइट, 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट? नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ द ओपन डाइस। दिस इज द केस 4, ये आपका केस 4 है, और केस 4 का जो कंसेप्ट है वो है बेटा आपका ओपन डाइस। कैसा कंसेप्ट है आपका? ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या होगा? बेहद आसान। ओपन डाइस में क्या होगा? बेहद आसान। यस यस एक्सीलेंट माय डियर। यस देखिए क्या होता है ओपन डाइस में, देखते हैं। चलो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। आई विल टेक द सेपरेट क्लास फॉर द प्रैक्टिस सेशन माई डियर। हो सकता है कल ही आपका प्रैक्टिस सेशन हो डाइस के ऊपर, हो सकता है कल ही आपका प्रैक्टिस सेशन हो डाइस के ऊपर। तो देखिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द ओपन डाइस। जब हम डाइस को खोल देंगे, है ना, जब हम डाइस को खोल देंगे तब कैसी नजर आती है? जब हम डाइस को खोल देंगे तब कैसी नजर आती है? दैट केस विल बी द ओपन डाइस। ये है बेटा आपका ओपन डाइस। देखिए अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ यहाँ हो सकता है, देखिए आपका 1 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। तो इस केस में क्या होगा? देखिए इस केस में एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, तो आप इस 2 और 3 को देखो, 1 2 3 को देखो, बीच में है 2 और दोनों तरफ है 1 और 3, तो जब ये फोल्ड होंगे, चलो बीच में मेरा मुंह 2, इधर है 3, इधर है 1, तो जब ये फोल्ड होंगे तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर है 4 नीचे है 5, तो जब ये क्लोज होंगे, जब ये क्लोज होंगे तो आपका 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट। अब देखो क्या है इसमें, 1 के अपोजिट कौन होगा? यहाँ से बताता हूँ, देखिए 1 के अपोजिट कौन होगा 3, 4 के अपोजिट कौन होगा 5, और इस 2 के अपोजिट कौन होगा 6। समझ आ रहा है? एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, अरे घुसा क्या दिमाग में, एक छोड़ के एक। ठीक है, तो माई डियर फोर के अपोजिट होगा 5, 1 के अपोजिट होगा 3 और 2 के अपोजिट होगा 6। जब पैदा हुए थे तब से पता है क्या? बाद में किसी से सीखे ही हैं, पहली बार तो किसी को पता नहीं होता, है ना, बचपन से हम थोड़ी रीजनिंग सीख के आए हैं, पेट से ही माँ के समझा समझा के थक जाते हैं। पता है तो आप नेक्स्ट क्लास में आइएगा, डोंट वॉच दिस क्लास। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब क्या हो सकता है यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट नंबर लेके देखते हैं अपने। ये है मान लो आपका वन, ये आपका मान लो टू, ये है मान लो आपका थ्री, ये है मान लो आपका फोर, ये है मान लो आपका फाइव, ये है मान लो आपका सिक्स, ये है मान लो आपका सिक्स, ठीक है। तो माय डियर यहाँ देखिए एक छोड़कर एक अपोजिट है, तो वन के अपोजिट कौन होगा? थ्री। टू के अपोजिट कौन होगा? फोर। और फाइव के अपोजिट कौन होगा? सिक्स। तो फाइव के अपोजिट होगा सिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोड़ के एक जो होगा वो अपोजिट होगा, तो वन के अपोजिट थ्री, फाइव के अपोजिट सिक्स, टू के अपोजिट फोर। अब देखिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये है मान लो आपका एट द रेट, ये मान लो आपका हैज, ये मान लो आपका परसेंटेज, ओके, ये है मान लो आपका कॉपीराइट, ओके, ये है मान लो आपका ट्रायंगल, और ये है मान लो कुछ ऐसा एनी समथिंग डिजाइन, एनी समथिंग डिजाइन। नाउ अब इसमें देखिए एक छोड़कर एक अपोजिट होगा, इसके अपोजिट होगा ये वाला, इसके अपोजिट होगा ये वाला, और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो माय डियर यहाँ क्या होगा, देखिए हैज के अपोजिट होगा आपका कॉपीराइट, हैज के अपोजिट होगा आपका कॉपीराइट, और आपके परसेंटेज के अपोजिट होगा ट्रायंगल, परसेंटेज के अपोजिट होगा ट्रायंगल, और एट द रेट के अपोजिट होगा आपका ये डिजाइन, एट द रेट के अपोजिट होगा आपका ये वाला डिजाइन, ठीक है। यस वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, देखो एक बार, एक छोड़कर एक अपोजिट है ना, एक छोड़कर एक अपोजिट है, एक छोड़कर एक अपोजिट है, देखिएगा देखिएगा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर। अब सपोज यहाँ दे रखा है टू और यहाँ दे रखा है आपको थ्री, यहाँ दे रखा है टू, यहाँ दे रखा है थ्री, तो टू के अपोजिट कौन होगा? थ्री। क्यों? क्योंकि ये वाला अपोजिट होगा इसके, ये वाला अपोजिट होगा इसके, तो टू और थ्री एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। टू और थ्री एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। लेकिन यह ऐसे नहीं पूछेगा कि टू और थ्री एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं, वो कुछ और चीज पूछेगा। अब देखो आपको ऑप्शंस गिवन होंगे कुछ इस तरीके से, ए बी सी डी, कुछ इस तरीके से ऑप्शंस गिवन होंगे। टू के थ्री अपोजिट नहीं पूछेगा, टू के थ्री अपोजिट तो हमें मालूम है, ये है मान लो ए ऑप्शन, ये मान लो बी ऑप्शन, ये है मान लो सी ऑप्शन, ये है मान लो डी ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शंस में गिवन होगा, देखिए ऑप्शंस में आपके गिवन होगा मान लो टू थ्री, टू थ्री, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। अरे कंसेप्ट तो सीखना पड़ेगा ना, सवाल हम कल कर लेंगे, सवाल तो हम कल के लिए टेस्ट में करेंगे, डोंट वरी, पहले तो मुझे कंसेप्ट बताना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर सुनिए, टू और थ्री एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अगर टू और थ्री एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये कभी एक साथ नहीं दिखाई देंगे, और अगर एक साथ नहीं दिखाई देंगे तो एक साथ छुप भी नहीं सकते, एक साथ ये छुप भी नहीं सकते। तो माय डियर ये ना ही एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं, तो कभी भी
अपोजिट फेसेस एक साथ दिखाई भी नहीं देते हैं और एक साथ छुप भी नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको कंसेप्ट गिवन होगा, और उसके बेसिस पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यू हैव टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। तो आज वाले सेशन में किसी को डाउट हो तो बताइए। जो भी कंसेप्ट रिलेटेड जो फंडा है आपका डाइस का, इट हैज बीन कंप्लीटेड, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और अभी किसी ने एक डाउट पूछा था बहुत ही पहले, वो पता नहीं अभी है या नहीं है, एक सेकंड। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे, हम डाइस वाले चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो टुमारो व्हाट विल बी डू, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द सेशन ऑफ द डाइट, डाइस का प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप मुझसे हमारे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, facebook.com/vishal, इसी के पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप जब यूज करेंगे कूपन कोड तो आप विशाल11 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो instagram.com/vishalecke अगर आप लगाएंगे, देन यू विल कम टू माई प्रोफाइल। आप अन अकेडमी पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैक विशाल पर, ताकि आपको जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं उनका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। उनका इन्फॉर्मेशन क्या होता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ द अन अकेडमी। There will be daily live classes on the fixed time, so you do not need to worry again and again. आपको इधर उधर material के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, आपको search नहीं करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है। एक ही जगह आपको in a organized manner पूरा का पूरा content मिलेगा। Crash course भी available होते हैं जो कि आपके score को boost up कर देते हैं in the last stage of your preparation. Rank improvement batch भी है आपका GATE और engineering services examination के लिए। Classes will be in the English as well as in the Hindi, so language will be not barrier for you. और जो फोर्थ क्लास होता है वो एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू द डाउट सेशन होता है। फोर्थ क्लास क्या होगा, एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू द डाउट सेशन। और वीकली टेस्ट भी होता है। क्या होता है बेटा, वीकली टेस्ट भी होता है। तो ज्वाइन कैसे करना है, यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। उसके बाद आपको गोल चूज करना है, देयर इज अ टू गोल, गेट एंड ESC एंड SSC एग्जामिनेशन। SSC एग्जामिनेशन को चूज करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आप 2021 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और अगर आप 2022 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। दोनों के सब्सक्रिप्शन फीस में 1,080 रुपये का अंतर है, एक पिज्जा पार्टी का अंतर है। और सिर्फ एक साल का फीस एक्स्ट्रा देके, आप क्या कर सकते हैं, एक साल का फीस सिर्फ 1,080 दे रहे हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा एक साल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर गेट की फीस दिखा रखी है 22,500 और ये है आपके 27,000 फीस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं SSC की, तो माय डियर SSC की जो फीस होगी आपके 12 मंथ की, ये 12 मंथ की होगी आपकी 5,400, और जो ये 24 मंथ की फीस होगी वो होगी आपकी 6,480। ये आपकी गेट की फीस है बेटा। अगर आप गेट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो गेट की पढ़ाई कीजिए, अगर आप SSC की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप SSC की पढ़ाई कीजिए। जो आपके मन में है आप वो पढ़ाई कीजिए, आपको पता होगा ये सब। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं, EMI के थ्रू पे कर सकते हैं आप। EMI का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपको ये जो फीस पे करनी होगी ये पर मंथ काफ़ी कम फी पे करनी होगी। तो जो लोग गेट वाली फ़ी पे कर रहे हैं वो 1,875 हो जाएगा, और जो SSC वाले प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC की जो फीस होगी वो इससे भी कम हो जाएगी, 540 रुपये एक महीने का फीस होगा। ठीक है, तो क्लास को मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ।